पन्ना में ओबीसी महासभा की जिला स्तरीय बैठक में ओबीसी महासभा ने कई निर्णय लिए। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए आग्रह किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से अगर कोई भी सरकार हमें भागीदारी नहीं देती है तो ओबीसी महासभा आने वाले किसी भी चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार का ही समर्थन करेगी। बैठक में जिला अध्यक्ष त्रिलोक यादव, अभिषेक नामदेव, महिला जिला अध्यक्ष चंदा कोरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। जो कार्यक्रम रहा, ये किस उद्देश्यों को लेकर रहा? आज पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा है जो हम लोग का, इसमें एसटी ओबीसी के जितने भी घटक दल हैं, जो भी जाति हैं, सबको सामूहिक रूप से यहाँ पे जिला स्तरीय बैठक की गई, जिसमें आगे की रणनीति क्या कार्यक्रम है सबके बारे में विचार विमर्श हुआ। और सभी जो हमारे समाज के और बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने अपने अपने विचार रखे आगामी रणनीति के तहत, और हम लोग काम करेंगे संगठित होकर। इस बारे में सभी ने विचार रखे और कार्यक्रम। किस किस क्षेत्र से लोग यहाँ पे शामिल रहे? यहाँ पे गुनौर से और अपने मोहंद्रा से, पबई से, पुराना से, ऐसे सिमरिया से, पबई, पन्ना जिले के जितने भी ग्रामीण हैं सभी नेतृत्व जी। और कौन सा संगठन है आपका? ओबीसी महासंघ। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? अभिषेक नामदेव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।